हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, खुद पे ध्यान दें और देखें कि क्या आपको गोरेपन की ज़रूरत है। अगर हाँ है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इस नुस्खे के साथ एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने पूरे शरीर को गोरा बना सकते हैं। और साथ ही गर्मी के मौसम में जब हम बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर कालापन आ जाता है, तो इसे गोरा बनाने का तरीका भी इसमें बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक क्लीन बाउल लेना है और फ्रेंड्स, अब हमें इसमें थोड़ा सा नमक लेना है। अब जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, वो है हल्दी। आपको इसमें हल्दी की मात्रा बिल्कुल कम रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो गर्मी का मौसम है, हल्दी की अधिक मात्रा यूज़ करने से आपको इसके ख़राब रिजल्ट्स भी चेहरे को देखने को मिल सकते हैं। अब आपको इसमें बहुत ही कम मात्रा में हल्दी ऐड करनी है फ्रेंड्स। अब जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण हमारा चेहरा तुरंत ही गोरा हो जाता है। अब ये जो नींबू का रस है, इसको इसमें ऐड कर लेना है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये नुस्खा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं बताऊँगी फ्रेंड्स कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है और अब इसको यूँ लेकर के राउंड राउंड घुमाते हुए इसे अपने पूरे फेस पे लगा लेना है और 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना। ज़्यादा समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका उपयोग हमें हर दूसरे दिन करना है, तभी आप अपने चेहरे के गोरेपन को बढ़ा सकते हैं। और इसको लगाने के तुरंत 10 मिनट बाद आपको एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगाना है और फिर नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।